नव नियुक्त कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है और औचक निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में कई कमियां देखने को है। मेडिकल वार्ड एनसीसी वार्ड का भी किया है। कमियों को देखकर सीएमएच सुधार करने के लिए कलेक्टर प्रियंका दास ने चल रहे निर्माण कार्य को भी देखा। जिला चिकित्सालय में साफ सफाई को लेकर कलेक्टर प्रियंका दास ने नाराजगी जाहिर की है। देखा जाए तो औचक निरीक्षण की जानकारी पहले से ही जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को लगने से आनंद फानंद में साफ सफाई और बेडशीट की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। आज मुरैना जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, औचक ही निरीक्षण था। इसमें बहुत सारी चीजों में खामियां पाई गई हैं, लेकिन जो चीज अच्छी या ओवरऑल संतोषजनक कंडीशन में थी वो एसएनसीयू वार्ड था। हालांकि उसमें भी अभी हम लोगों को और प्रयास करना पड़ेगा ताकि उपचार और बेहतर हो और नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो और घट पाए। लेकिन जो सबसे खराब कंडीशन में है वो हमारा मटर्निटी वार्ड है, जच्चा बच्चा वार्ड है। ये दोनों वार्ड का कंडीशन काफी खराब है। इसमें अभी प्लानिंग करके सिविल सर्जन, सीएमएचओ और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ हम लोगों ने मेंटेनेंस और रेनोवेशन का काम किया है। जनरल साफ सफाई मेडिकल प्रोटोकॉल्स के पालन में भी काफी पीछे है जिला अस्पताल, उसके लिए भी समुचित निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन में से आप लोगों को सुधार जो है दिखने लगेगा जिला अस्पताल के वर्ग में। हाँ, एक आम जनता की शिकायत से एक पाया गया था कि उससे पैसे मांगने की, रिश्वत मांगने की कोशिश की गई थी, तो उसके संबंधित जो सिक्योरिटी गार्ड का बंदा था उसको नौकरी से बाहर किया गया है। और जो क्षेत्र की आशा है वो डर के मारे भाग गई थी, लेकिन वो संतुष्ट थी इसलिए उसको भी नौकरी से निलंबित किया गया है। इसके अलावा हाँ, कुछ नई डरते जो हमारे जिले में पदक है उनका समस्या सामने आया है कि उनको वेतन नहीं मिल पाया है। इसमें भी निर्देशित किया गया है कि अकाउंट ऑफिसर पहल करके बजट की आवंटन की कुछ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करके उनका तनख्वाह रिलीज कराएंगे, तो उसके बाद ही उनका स्वयं का लगा। निर्माण कार्य निरीक्षण किया गया था, कमी मिली है? निर्माण कार्यो में कमी कुछ नहीं मिली है, लेकिन काम काफी व्यापक है क्योंकि रनिंग हॉस्पिटल है। फेज वाइज वार्डों को खाली कर करके फिर रेनोवेशन का काम लिया गया है। सबसे पहले जो आई वार्ड ऊपर के फ्लोर में बन रहा है वो कंप्लीशन की स्थिति में है, हैंड ओवर कर लें ताकि अस्पताल जो है उसको टेक ओवर करके अन्य वार्डों को मरीजों को शिफ्ट करके और मटर्निटी वार्ड का काम जो है वो फर्स्ट से चालू हो जाए।